सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज ये शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मतलब है मानव का निर्माण करना, और मानव के निर्माण करने के लिए शिक्षा के आधार स्तंभ जो चार हैं उनमें ज्ञान, ज्ञान के साथ जो व्यावहारिकता आती है वो होना चाहिए, साथ में सभ्यता और संस्कार, और धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब मंदिर और मस्जिद नहीं, लेकिन जो एक दूसरे के साथ व्यवहार की जो बात है उनको धार्मिकता का मुद्दा बोला जाता है, और विकेंद्रियता। यदि ये चार स्तंभों पर ये शिक्षा दी जाए तो आज के ज़माने में जो क्रिमिनल केस हो रहे हैं उनमें साहब घाटा आ जाए। और शिक्षा नीति जो नई आई है उनमें मैं सर नई शिक्षा नीति के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को संस्कार और रोजगारी की ओर बढ़ोतरी देगी और हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। सर, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224 और 31 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 8,100 करोड़ रुपये अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज नई शिक्षा नीति लागू होने से देश के शिक्षा स्तर में सुधार लाने में एक नई क्रांति आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों की अंतराल के बाद वर्ष जुलाई 2020 में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की संरचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना। नई शिक्षा नीति में स्कूल सत्र के साथ साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं। महोदय, यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी। नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में इतिहास में सचमुच में एक उल्लेखनीय पहल है। महोदय, वर्तमान बजट में ये प्रावधान किया गया है कि नई शिक्षा नीति की जरूरत के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा, साथ ही उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की स्कूलें राज्यों के साथ भागीदारी करके 100 नई सैनिक स्कूलें स्थापित किए जाएगी। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिससे जनजाति छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित मिलेगा। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रियासत स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जो दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थिनियों में शिक्षा की प्रति रुचि उत्पन्न करेगा। साथ ही बजट में यह भी प्रावधान रखा गया है कि सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छात्र संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समय प्राप्त हो सकेगा। यदि हम कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थियों की बात करें तो इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया है कि अन्य देशों के साथ साझेदारी की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान होंगे। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में अंतर्गत 14 तहसील आते हैं, इस नाते यह एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मैं ये संसद में मेरे क्षेत्र के बारे में मांग कर रहा हूँ कि इस दृष्टि से प्राप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय, एक नवोदय विद्यालय और एक ये नई जो सैनिक स्कूलें सो खुली जा रही है वो बॉर्डर एरिया की वजह से उनको भी मंजूरी दी जाए। और मैं धन्यवाद फिर से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, और एक की ओर से ये भारत विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू सर।